हैं ना कि नहाने के बाद अच्छी आइडियाज आ जाती हैं, आज मैं नहाया नहीं, मुंह धुलने के बाद मुझे एक अच्छी आइडिया आ गई। और आपके कई सारे कमेंट्स थे इससे रिलेटेड, बहुत सारे डीएम साइंस इंस्टाग्राम पे कि सर टेस्ट को कैसे अप्रोच करें, या एग्जाम में हम जाते हैं तो कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा जो स्कोर हो मतलब इन्हेंस हो जाए और अच्छा कर पाए। तो आपने क्रिकेट देखा होगा, या क्रिकेट आधे से ज़्यादा लड़कों को तो 90% लड़कों को पसंद ही होगा। तो क्रिकेट के तीन फॉर्मेट होते हैं, पहला टेस्ट क्रिकेट सबसे अच्छा होता है, सेकंड होता है ओडीआई, और थर्ड होता है टी20 क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट होता है डिफेंसिव, उसमें डिफेंस आपका जितना मजबूत उतना अच्छा आप टेस्ट खेलेंगे, और पेशेंस। दूसरी चीज़ होती है ओडीआई, जिसमें आपको गेम को चलाना होता है, मतलब शॉट भी लगेंगे लेकिन आपको गेम को चलाना आना चाहिए। और तीसरा होता है अटैकिंग क्रिकेट, जिसमें हम टी20। अब आप ध्यान रखें, आपको कुछ क्वेश्चंस रियल एग्जाम में भी और मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे जिनमें आपको समय लगना ही लगना है, यानी डिफेंसिव खेलना है, यानी उनके लिए समय आपको बचा के रखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चंस कर पाएंगे, वो बहुत कम होते हैं, है ना। टेस्ट क्रिकेट जैसे बहुत कम होते हैं, वैसे वो भी बहुत कम होते हैं। दूसरा होता है ODI, जिसमें आपको गेम को चलाना होता है, जब मौका मिले तब शॉट लगा देना, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा, आपकी प्लेइंग टेक्निक अच्छी है, तो आप अच्छा करेंगे उस फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो होते हैं जैसे 1 मिनट वाले क्वेश्चन या 40 सेकंड वाले क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जिस पर अटैकिंग खेलना होता है आपको, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे होंगे 15 सेकंड में आपको करना होता है, वहाँ पर टक करके बाउंड्री के बाहर मार देना होता है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको तीनों फॉर्मेट अच्छा खेलना है, समझ रहे हो। मतलब कहने का कि टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलेंगे, ODI भी अच्छा खेलेंगे, T20 भी अच्छा खेलेंगे, यानी आपको उस क्वेश्चन के लिए समय भी बचाना है, एवरेज क्वेश्चन को एवरेज तरीके से मतलब अच्छे तरीके से कम समय में करना है। अब इतना कम ना लगाने कि उसके लिए ट्रिक पढ़ने चले जाए, हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक, तो 20-20 सेकंड की ट्रिक 2000 क्वेश्चन के लिए पढ़े, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना है। और तीसरी चीज़ होती है अटैकिंग क्रिकेट। अटैकिंग क्रिकेट मतलब वो जो क्वेश्चंस जो आएंगे आपके प्रीवियस ईयर, या जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक में आपको कमांड है, मतलब आप बहुत अच्छी कमांड रखते हैं उसमें, वो टॉपिक्स। अब आप अगर सोचें कि आप अंडर रसेल T20 के हिटर बन जाएंगे, ODI और T20 के लिए रोहित शर्मा बन जाएंगे, और टेस्ट क्रिकेट के लिए पुजारा बन जाएंगे, तो ऐसे आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। आपको विराट कोहली बनना है, डिफेंस भी आपका अच्छा होना चाहिए, आपका गेम चलाना भी आना चाहिए, और जब हिट करना हो तो आपको वो भी आनी चाहिए। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आपकी प्लेइंग टेक्निक, आपके पास शॉट मेकिंग, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी बेसिक मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको विराट कोहली बनने की ज़रूरत है, ना कि चेतेश्वर पुजारा, ना एंड्रयू रसेल, ना रोहित शर्मा। आपको ध्यान रखना है कि आपको तीनों चीज़ें यानी सारे टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और किस तरीके से जो डिफेंसिव हो उसके लिए समय बचाएंगे। ODI जब गेम चलाना होगा तो उसके लिए 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें गेम चलाना होता है आपको, और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा T20 फॉर्मेट के गेम सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो भी सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो टेस्ट क्रिकेट होता है आपको पता होगा बहुत कम होता है, तो उसी प्रकार से जो ये टेस्ट वाले मतलब डिफेंसिव जिस पे खेलना होता है वो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखेंगे तीनों चीज़ें, यानी और तीनों चीज़ों का बेसिक क्या है, बेसिक आपका कितना स्ट्रांग है, यानी आपको आपकी प्लेइंग टेक्निक कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, तो उससे आप चैंपियन बनेंगे, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट आपको अच्छा खेलना है, यानी तीनों चीज़ें, और उसके लिए मैंने बताया कि आपको क्या स्ट्रांग करना है, अपना बेसिक बस।